यूथ ने जिस तरह से आपका स्वागत किया बेचूका में, वो भी एक ऐसा प्रांत जो थोड़ा दूर है, और वहां पे लोगों ने जिस तरह से आपका स्वागत किया, और आपका मैसेज स्पेशली ड्रग्स को लेके कि ड्रग्स से दूर रहो, तो ये मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी और जो अभी करंट अनफॉर्चुनेटली ये मैनेज है, जो कि बहुत बड़ा बड़ी प्रॉब्लम है, और आपने सबको वहां पे कहा कि जो ड्रग्स से दूर रहेगा उसको जादू की चट्टी मिलेगी। बिल्कुल। तो आपका करंट अब्यूजर्स जो है अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा ड्रग्स को लेकर? मैं यही कहना चाहता हूँ कि राहुल जी के ये जो करंट अब्यूजर्स हैं उनको लोग एज अ टैबू ना देखें। एक ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये एक बीमारी है, और ये हर यूजर पे रहता है, एक हर इंसान पे रहता है। अगर वो सोचेगा अगर नहीं, तो फिर इतना उसमें दम और हौसला होना चाहिए कि वो ना, मतलब ना। और मैं यही यंगस्टर से और यूथ से और जो नौजवान है हमारे देश के, उनसे यही कहता हूं कि अगर मैं ना कह सकता था तो कोई भी ना कह सकता। और जो जो नशा जिंदगी का है, जो नशा फैमिली का है, और जो नशा काम में आता है और मिलता है जी, वो एक ड्रग से कभी नहीं मिल सकता। बिल्कुल। आपकी आपकी जीवन और आपकी स्ट्रगल के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, स्पेशली फिल्म जो आप पे आधारित थी, आपकी जीवनी पे संजू, हम सब ने बहुत सराहा उस फिल्म को, और उसमें मुझे लगता है जो ट्रायंफ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट है कि जिस तरह से चैलेंजेस हुए और आप उभर कर बाहर निकले, उसी वजह से लोगों ने इतना पसंद किया। संजू भाई, फैमिली बहुत अफेक्ट होती है, आई एम श्योर दत्त साहब और आपका पूरा परिवार भी बहुत दिक्कतों से गुजरा होगा उस वक्त, तो आप फैमिली को क्या बोलना चाहते हैं, बिकॉज वो बहुत जरूरी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आई थिंक वो जो अगर कोई लड़का आपका या जो लड़की हो अगर ड्रग्स पे है, तो उसे छुपाने की कोशिश मत कीजिए। हमें खुल के बोलिए कि हाँ ये ड्रग्स पे है, इसको प्रॉब्लम है और इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है।